ना कब ऐसा कि फौजी मिल जाए तो होटल वाला ब्लॉक। आज है 29 मई 2021 और अभी हम जा रहे हैं हल लगाने, भोरी लगाने, रोपाई से पहले का हल लगाने, क्योंकि रोपाई का सीजन आ चुका है। और आज की वीडियो की कर लेते हैं शुरुआत। नमस्ते दगड़ियों, दिस इज सचिन कठारिया, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की वीडियो होने वाली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिए और वीडियो का मजा लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सड़क में आ चुके हैं बैल, देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं खेत। इनमें बिनाड़ा हो रखा है, धान की जो पौध होती है उसे बिनाड़ा कहते हैं। और यह है तनु, इसका नाम है तनु। और देख सकते हैं खेत कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये है लालू, और ये पीछे वाला है कालू। और इन्होंने कल भी हल लगाए और आज भी हल लगाएंगे। हल मतलब भौरी, होता हल ही है लेकिन उसे भौरी कहते हैं क्योंकि वो रोपाई से पहले लगता है। तो ओए ओए, और ये बार बार इस पैर पे फंसा रहा है इसे, चल ओए। और यहाँ से जाना है नीचे, तो आज उस खेत में हल लगाना है जिसमें मैंने कल नसुड़ा रखा था। नसुड़ा मतलब हल लगाने का यंत्र होता है, तो उसे नसुड़ा कहते हैं। तो उसमें आज हल लगाना है। और पीछे से लालू और कालू आ रहे हैं। और यहाँ पीछे है पैंताल, और मैं आपको घराट दिखाता हूँ कहाँ पे है। घराट लाऊंगा, गाँव का घराट दिखाता हूँ मैं आपको। और नीचे पे जो दिख रहा है घर सा, तो वो है लौंगा का घराट। यहाँ पर पहले घाट होता था, अभी चालू नहीं है वो। तो कभी कभी वो चालू हो जाता, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि अब वो चालू रहता है, नहीं तो वो चालू नहीं रहता। लालू 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 लालू। ओह, और बस अब हम खेत में पहुंच चुके हैं, जिस खेत में हमें हल लगाना है उस खेत में हम पहुंच चुके हैं। और यह है रिश्तो, और यह है मेरे चाचा जो कल हल लगा रहे थे, और इनके बैल यहाँ से जा रहे हैं। ये भी आज हल लगा रहे हैं, कल भी इन्होंने हल लगाए और आज भी हल लगा रहे हैं। क्या पोंगड़ा इंजा है? 10 पोंगड़ा। तो अभी पहलों को जोत देते हैं और उन पे हल लगाते हैं, मतलब नसुड़ा लगाते हैं। बैल तो जोती हैं, अब इनको स्टार्ट करते हैं हल लगाना। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी पहली सियो लग रही है, और पहली सियो मतलब मेन सियो, बहुनी हो चुकी है हल की, तो पहली सियो लग चुकी है अभी। अब ये खेत पूरा होने वाला है। ये बड़ा सा खेत था, थोड़ा सा सबसे बड़ा खेत यही था इनमें से। इसके बाद छोटे छोटे खेत के टुकड़े टाइप के हैं, मतलब कत्तर बोलते हैं उन्हें, कत्तर। और अब थोड़ा सा यहाँ पर निकाल रहे हैं, यहाँ पर छोटा हुआ था तो यहाँ पर निकाल रहे हैं। लालू, और उसके बाद ये खेत लग जाएगा। और यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर बिनाड़ा हुआ है, बिनाड़ा जो धान की पौध, तो कितना हरा हो रखा है वो, बहुत ही सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं। और मेरे साथ यहाँ पर बैठा हुआ है अभी तन्नु, तो तन्नु एक शायरी सुनाएगी। तन्नु आजकल शायरी सीख रहा है आजकल, क्योंकि व्हाट्सएप पर आजकल शायरी चल रही है, तो आज ये शायरी सुनाएगा ना, एक बड़ी सी शायरी सुनो भी तन्नु। और यहाँ पर ये छोटा सा खेत है, ये वाला खेत देख सकते हैं आप, बहुत छोटा सा खेत है। तो इन खेतों में हल लगाने में आफत आती है बहुत ज्यादा, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक लगाना पड़ता है। और वहाँ पे जो सामने दिख रहा होगा, वहाँ पे टूटा हुआ है, तो वहाँ पर जो कालू है वो नीचे चले गया था, बाल बाल बचाओ नीचे गिरने के लिए। तो यहाँ पर बैलों का भी ध्यान रखना पड़ता है इस जगह पे।
और जैसे वो खेत है वहां पर वो थोड़ा ऊंचा खेत है, तो वहां से हम यहां से बैल निकालेंगे। तो ऐसी जगह पे थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन देखते कोशिश करते हैं कि वहां से बैल आ पाते हैं नहीं आ पाते हैं। और ऊपर वाला खेत है जो वो बहुत ज्यादा छोटा सा था, तो उसमें इतना सा देखिए कितना सा है वो, और उसमें इतनी आफत आ गई लगाने में, क्योंकि बैल तो बड़े हैं लेकिन खेत छोटा है, तो वो बैलों के गिरने का भी खतरा होता है। जो हल लगा रहा है, हलिया बोलते हैं इससे, उसका भी खतरा होता है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक काम करना पड़ता है जी। और जो ये बैल है ये दाई साइड लगाते हैं इसको, हमेशा इस साइड लगाते हैं, बाई साइड, इसको बोलते हैं देण पाला, इसको बैंड पाला। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा बिनाड़ा, जो धान की पौध होती है, और वहाँ नीचे पे चाची, हमारी एक चाची हैं गाँव की, तो वो बिनाड़ा निकाल रहे हैं। तो उनकी सबसे पहले रोपाई होती है, सबसे पहले हर साल उन्हीं की होती है, उनको शौक है या उनको अच्छा लगता है पहले पहले रोपाई करना। तो ये दो खेत उनके हैं और वहाँ पर वो बिनाड़ा निकाल रहे हैं, और ये है हमारा बिनाड़ा। व्हाट अ ब्यूटीफुल 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 फुल। हमने उस वाले खेत में भी हल लगा दिया है, इस वाले खेत में, इस वाले खेत में हल लगा दिया, और इस वाले में अब थोड़ा सा बचा है, उसके बाद ये वाला खेत बच जाएगा, वो वाला खेत बच जाएगा, और ये वाला खेत बच जाएगा। छोटे छोटे खेत हैं, और पहाड़ों में अक्सर ऐसे ही होते हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं जिनमें कि आफत आती है बहुत ज़्यादा। और वहाँ पर देख सकते जो ये वाले खेत दिख रहे होंगे आपको, ये दो छोटे छोटे खेत, तो इनमें तो बैल नीचे जाने की स्थिति बन गई थी। और जो नीचे वाला खेत है ना वहाँ पर, ये वाला खेत, तो उसमें मैं हल लगा रहा था, तो काला बैल जो हमारा है जिसका नाम कालू है, तो लाल वाला जो लालू है वो थोड़ा सा नीचे चलेगी और कालू और नीचे चलेगी, तो वो नीचे गिरने की कगार पे आ गया। तो मतलब वहाँ पर टूटा सा दिख रहा है यहाँ पर, तो वहाँ पर वो आधा नीचे चले गया था, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने उसे बचा दिया। तो बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया था मुझे, मतलब घबराहट सी हो गई थी, क्योंकि वो नीचे चले गया था और नीचे गिर जाता तो दोनों बैल जाते नीचे, और तब क्या होता आपको भी पता है। और जो ये है सिंहता, तो ये बैलों के नाक से जुड़ा होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो ये धागा है ये नाक से जुड़ा होता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक, जिससे बैल कंट्रोल हो जाते हैं। जब हम पीछे खींचते हैं तो बैलों को दर्द होता है, और तब बैल जहाँ हम चाहें वहाँ ले जा देते हैं। और जो बिनाड़ा है कितना खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ से बह रही है रुपाई की कूल। इसमें आजकल पानी कम है, पानी आजकल इसमें जितना आता है उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन वैसे इसमें बहुत ज़्यादा पानी रहता है, देख सकते हैं इसमें बहुत कम पानी है वैसे आजकल। और थोड़ी देर पहले क्या हुआ कि मोतू यहाँ से नीचे गिर गया, यहाँ पर से नीचे क्या हुआ कि मोतू यहाँ पर नीचे गिर गया, यहाँ पर देख सकते मिट्टी ऐसे, और मोतू सीधे नीचे गिर गया। तो कभी कभी ऐसे भी होता है हल्दिया के साथ कि वो नीचे गिर जाता है। तो ये हमारे कच्चे हल्दिया जो कि नीचे गिर गया था अभी। और वहाँ नीचे देख सकते हैं वो है खूबसूरत सा गधेरा गांव का, और सबसे बड़ा गधेरा है ये, और इसमें बहुत मछलियाँ भी रहती हैं, मछलियाँ। आजकल इसमें पानी थोड़ा कम दिख रहा है, क्योंकि सब जो बहुत ज़्यादा पानी खेतों में जाता है इससे, तो पूरी सिंचाई जो होती है इस यहाँ से लेकर और पूरे तिलवाड़ा तक लगभग इसी नदी से होती है, यानी इसी गधेरे से होती है। पहाड़ों में हल लगाना टफ क्यों है, मतलब थोड़ा कठिन क्यों है, क्योंकि देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर है वो खेत, यहाँ से लेकर, छोटा सा खेत लेकिन इतनी बड़ी दीवार है वहाँ पर, और ऐसे में थोड़ा डर होता है कि आदमी गिर ना जाए, और मोतू अभी फिर से गिर गया था, तो ऐसा हो जाता है, आपने देखा होगा अगर ध्यान से, तो उसका पैर वहाँ से फिसल गया था। तो ऐसे होता है अक्सर कि कई बार बैल गिर जाते हैं और कई बार हल्दिया भी गिर जाता है, और मोतू तो आज बहुत ही भयंकर तरीके से गिर गया था हमारे हल्दिया साहब। और ये था सेकंड लास्ट वाला खेत, तो इसमें भौंरी लग चुके हैं, इसमें हल लग चुका है,
और अभी ये वाला खेत बचा हुआ है, बहुत ही बारीक खेत है, तो ऐसे खेतों में दिक्कत आती है लगाने में। देखता हूँ कि कैसा लगता है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि हमने हल पूरा लगा दिया है और अब पहले को घर ले जा रहे हैं। चल लालू, लालू चल 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 बेटा, शाबाश शाबाश चल। ओए को जानो ले। और अब देख सकते हैं घर जाने के लिए कितनी तेज हो रही है पहले को, अब बहुत तेज भाग रहे हैं वो, और आते समय कितना स्लो जा रहे थे। और यहाँ पर जो जाम खेत में हल लगा रहे थे वहाँ पानी जाता है इस नहर से, और यहाँ पर ये लालू और कालू दोनों पानी पी रहे हैं क्योंकि इन्हें प्यास लग गई है, इतना हल लगाया इन्होंने तो। चल चल बेटा चल। और अब हम इन्हें घर ले जा रहे हैं, और अभी समय हो रहा है 11 बज रहे हैं लगभग अभी, और अब घर जा रहे हैं अभी क्योंकि हल हमने पूरा लगा दिया है। और अब बस घर पहुँचने ही वाले हैं बैल, लालू और कालू। और कालू बांध दिया है और लालू अभी आ रहा है, उसको भी बांध देंगे तब। और अब इनके पास घास डाल दिया इन्होंने क्योंकि इन्होंने आज हल लगाया है, तो इनके थोड़ा मालिश कर देते हैं। लालू इसका पेट बहुत बड़ा है, इसका पेट बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा, लेकिन ये थोड़ा पतला है। और अब सीधे उन खेतों में हल लगाएंगे यानी रोपाई करेंगे कुछ दिनों के बाद, तो मैं सीधे आपको उन खेतों की रोपाई दिखाऊंगा तब उसके बाद। और आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, उम्मीद आज की वीडियो आपको आई होगी बहुत ज्यादा पसंद। इसी के साथ आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच।